धनबाद में 45 से अधिक उम्र वालों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी हिचकिचाहट बरकरार है और ऐसे में जिला प्रशासन इस आयु वर्ग के लोगों को कम्युनिटी सर्विलांस के जरिए इन्हें प्रेरित करेगा और इसके जरिए पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 45 प्लस लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति हिचकिचाहट, कम्युनिटी सर्विलांस के जरिए किया जाएगा जागरूक। पंचायत स्तर पर बनेगा जागरूकता के लिए सेंटर। 45 प्लस के 3 लाख लोगों को मिल चुका है टीका। जिले में टीके से एक भी मौत की सूचना नहीं। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में 45 से अधिक उम्र के लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति कई गलत फहमियां हैं। अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर पर सारा दिन सन्नाटा पसरा रहता है। टीका लेने के बाद कुछ लोगों को फीवर आ जाता है, इससे शिकायत पर भी लोग पैनिक हो जा रहे हैं। टीका के लेके भागा है सब, मुर्दा सुइया लेने से बीमार पड़ जाता है, जैसे बुखार उखार लग गया, हम भी लिए थे तो बुखार लग गया था। जिले में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए जिला प्रशासन कम्युनिटी सर्विलांस टीम की मदद लेगी। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले के सभी BDO और MOC को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में कम्युनिटी सर्विलांस की टीम की मदद करें। इसके अलावा जागरूकता के लिए धर्म गुरुओं की भी मदद ली जाएगी। अभी पंचायतों में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, PRI मेंबर्स का सपोर्ट लिया जा रहा है, परंतु अभी भी लोगों में 45+ की उम्र के लोगों में अभी भी एक हिचकिचाहट दिख रही है। या तो इसके कारण हो सकते हैं कि जो गलत फहमियां फैलाई गई हैं, हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि गलत फहमियां दूर हों। बहरहाल जिला प्रशासन का ये कदम सराहनीय है, क्योंकि इससे पंचायत स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। News 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। और वही धनबाद